आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप वर्चुअल आईडी यानी VID कैसे आप जनरेट करेंगे खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से। अगर आपका पुराना आधार कार्ड है तो पुराने आधार कार्ड पे वर्चुअल आईडी जो है नहीं रहता है तो क्या होता है, कहीं कहीं बैंक में या फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पे वर्चुअल आईडी का ऑप्शन रहता है। तो इस सिचुएशन में आप शॉप वाले के पास या साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ पे आपको यही छोटी सी चीज़ करने के लिए आपको 50 से 60 रुपया ले लेता है और कहीं कहीं तो 100 रुपीज़ भी ले लेता है सिर्फ आपके वर्चुअल आईडी पता करने का, आपको देने का। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से कैसे आप अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी कैसे आप जनरेट करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोज़ाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करेंगे, वो भी खुद से कहीं पे जाए, बिना शॉप पे जाए, बिना पैसा खर्च किए। क्योंकि आए दिन अभी के टाइम में हर इंसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है और उसमें 4GB तो होता ही होता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप खुद से अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे कि कैसे अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी कैसे खुद से जनरेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है www.uidai या सिंपली UIDAI डालेंगे तो आपके सामने में किसी इस तरीके से ये इसका कुछ लिंक आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि UIDAI.gov.in है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब अपने आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है, अगर आपका पुराना आधार कार्ड है उस पर जो है वर्चुअल आईडी नहीं है तब तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से उसको जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे करना है चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गेट आधार का कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ भी अपडेट आधार है, यहाँ अपना आधार कार्ड को यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आधार सर्विस है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, देख रहे हैं वर्चुअल आईडी VID जनरेट, तो यहाँ से अपना वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरेट वाले पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब अपना आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड है जिसका वर्चुअल आईडी जनरेट करना चाहते हैं उसका आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो भैया कैप्चा को यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा, दूसरा कैप्चा आ जाएगा तो वही कैप्चा आपको वहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ से आप जितने बार रिफ्रेश कीजिएगा वो आपका यहाँ कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा डाल के यहाँ पे सेंड OTP वाले पे क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपका इसमें आधार कार्ड में लिंक है उस पर OTP आएगा, OTP आपको डालना है। अब कैसे डालना है चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो मैं पहले यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, ये कैप्चा जैसे है मैं कैप्चा ID डाल दिया, यहाँ सेंड OTP वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, यहाँ पर आपको OTP डालना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना OTP डाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पे OTP डाल दिया हूँ, ये 10 मिनट का वैलिड रहता है तो वो आपको 10 मिनट के अंदर में आपको OTP यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर देखिए कि आपका OTP मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब OTP डालने के बाद यहाँ पर देखिए कि जनरेट VID है, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपको जनरेट वाले पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए कि आपका जो है वर्चुअल आईडी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे आप साइड में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है मेरे आधार मोबाइल में जो है यहाँ पे वर्चुअल आईडी आ गया है और यहाँ पे ये इतने नंबर का वर्चुअल आईडी है जो आप यहाँ पे साइड में भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से गाइस जो है बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके
आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी नहीं है तब तो आप बहुत ही आसानी से आप अपना जो है वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि आप बोला जा रहा है कि योर वर्चुअल आईडी सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको साइड में भी यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे साइड में भी आप तो मोबाइल पे सेंड कर दिया जाता है आपका वर्चुअल आईडी। सो गाइस बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।